हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे रेडमी नोट 8 डिवाइस के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गाइस ऐप नोटिफिकेशन से रिलेटेड। सो गाइस, आपको अगर आपके डिवाइस में ऐप नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो गाइस, इस वीडियो में ऐप नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार का आपको सॉल्व करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना है। सो गाइस, बात करी जाए ऐप के डिवाइस में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है किसी भी ऐप का, तो आपको अलाउ करने के लिए आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद गाइस, आपके डिवाइस में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करता है। फ्रेंड्स, आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड गाइस, आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड गाइस, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन शो करता है, नोटिफिकेशन सेट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन सेट पर जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साइड में गाइस आपको सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको ऐप नोटिफिकेशन में चले जाना है। इन गाइस, यहाँ पर आपको ऐप नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको गाइस, आपको जो भी ऐप आपके इसमें इंस्टॉल होते हैं आपको शो करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो भी ऐप को आपको आपको अलाउ कर देना है गाइस नोटिफिकेशन। जैसे गाइस, कोई भी ऐप का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इन गाइस, यहाँ पर आपको शो नोटिफिकेशन कर देना है। तो गाइस, जैसे कि गाइस यहाँ पर इसे मान लीजिए, तो गाइस यहाँ पर आपको शो नोटिफिकेशन अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने इसमें फ्लोटिंग नोटिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इनके लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, अदर अदर फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पर। सो गाइस, इस प्रकार से आप अपने डिवाइस में नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को भी अपने इसमें गाइस सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।